गुड मॉर्निंग आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक सेक्शन सबसे ज़्यादा बेसिक सेक्शन नियर अबाउट 18 मार्क्स तक फ्रेंड में से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, कौन से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कौन से पार्ट आपको नहीं करने हैं, ध्यान से सुन लीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ में ओजाई लेफ्ट हैंड वाला कॉम्बिनेटरी फ्रिक्वेंसी जो हमारे क्वेश्चन में है, और ओजाई में आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीडियन और फिर उसके बाद नंबर ऑफ फ्रेंड पर्टिकुलर परसेंटेज से कितने ज़्यादा हैं, कितने कम, बस ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है। हिस्टोग्राम स्टूडेंट सिर्फ कंटिन्यूस क्लास और ओजाई भी आपकी सिर्फ कंटिन्यूस क्लास वाली है डिस्टेंस, नॉन कंटिन्यूस क्लास आपको नहीं पढ़ना है। नॉन कंटिन्यूस क्लास चाहे ओजाई हो, चाहे मेन हो, चाहे आपका हिस्टोग्राम, आपको नहीं पढ़ना है। स्टूडेंट, इस साल मेन के लिए तीनों फॉर्मूले को पढ़ने पड़ेंगे, डायरेक्ट भी, स्टेप डिवीजन भी और आपका अज्यूम भी। तीनों फॉर्मूले पढ़ने के लिए कोई भी फॉर्मूले से पूछ सकते हैं, पहले जैसा नहीं था, पहले लास्ट ईयर में आपकी मर्जी पर डिपेंड था, किसी फॉर्मूले से पढ़ सकते हैं, पर इस साल आपको तीनों फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मीन और मीडियन, स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन जरूर पढ़ना कि मीन मीडियन अगर इक्वल है तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें क्वेश्चन रहेगा डिपेंडेंट जो आ सकता है। तो मतलब आपका मीन तीनों फॉर्मूले से पढ़ना है, मीन मीडियन के क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है, मीडियन को खासकर ध्यान देना ऑड नंबर इवन नंबर के हिसाब से, और मीन मीडियन इक्वल का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पढ़ना है। ओजाई आपका कंटिन्यूस क्लास पर रहेगा, ओजाई बता दिया कौन से, और मॉड में स्टूडेंट एक ही मत भूलना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको हाईएस्ट रेक्टेंगल से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एक मार्क्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मॉड लिखने के ऊपर है। अगर आप मॉड नहीं लिखते हैं 5 मार्क्स लग जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करते। डिफरेंट ग्राफ सेक्शन में 2 ग्राफ आपके स्टडी शीट हैं और 1 ग्राफ आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्लियर करने के लिए प्लीज़ दो।